बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोजेक्ट WBS और एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट WBS और एक्टिविटीज़ हम प्राइमावेरा में किस तरह से क्रिएट करेंगे और इनकी सेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट इज़ ए टेम्प्रेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और ए रिजल्ट। इसके बाद सेकेंड है WBS। तो WBS यानी वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्या है, द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग प्रोजेक्ट वर्क इन टू ए स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट। तो प्रोजेक्ट में जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो काम होते हैं उनको सब डिवाइड करना होता है मैनेजेबल कंपोनेंट में। और ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने प्रोजेक्ट WBS और एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है और इसके अंडर दो WBS हैं लेवल 1 में, जिन्हें हम डिलीवरेबल्स भी बोलते हैं, एक्सटर्नल फिनिशिंग और इंटरनल फिनिशिंग। इसके अंडर हमारे पास WBS लेवल 2 है, वर्क पैकेज प्लास्टर और पेंटिंग, और इंटरनल फिनिशिंग के अंडर प्लास्टर और टाइलिंग। और इस WBS के अंडर दो एक्टिविटीज़ हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर और फर्स्ट फ्लोर, और इसी तरह पेंटिंग के अंडर ग्राउंड फ्लोर पेंट और फर्स्ट फ्लोर पेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी प्लास्टर के अंडर ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर है और फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर है, और टाइलिंग के अंडर ग्राउंड फ्लोर टाइलिंग है और फर्स्ट फ्लोर टाइलिंग है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये छोटी सी मैंने एग्जांपल दी आपको। प्राइमोवेरा में हम 7 लेवल तक जो WBS क्रिएट कर सकते हैं, और जो लास्ट WBS होता है उसको वर्क पैकेज बोलते हैं। प्रोजेक्ट और WBS और एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने देखना होता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। प्रोजेक्ट की क्रिएट करने के बाद हमें प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके हमें डेट्स में चले जाना है। इस तरह की विंडो पॉपअप होगी डाउन में, तो वहाँ पे हमने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट और डाटा डेट दोनों सेम होनी चाहिए और टाइम भी सेम हो। उसके बाद हमारे पास डिफॉल्ट्स में हम चले जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट में जो कैलेंडर है ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो हमने प्रोजेक्ट कैलेंडर होगा क्रिएट किया हुआ उसके वही सेम कैलेंडर होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास WBS क्रिएट करते हुए एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो WBS के हम नाम देंगे वो WBS नाम के कॉलम के अंडर ही होने चाहिए। बाद अवकात मिस्टेक ही होती है कि हम WBS कोड के अंडर हम नाम लिख लेते हैं। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम एक एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी एक्टिविटी है वो प्रोजेक्ट के कैलेंडर को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कोई एक्टिविटी वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको एक दिन का ड्यूरेशन देंगे और हम चेक करेंगे कि जो प्रोजेक्ट कैलेंडर है वो इसके साथ अटैच है कि नहीं है। जिस तरह की यहाँ पे मैंने एक दिन की एक्टिविटी दी, तो ये कैलेंडर इसके साथ अटैच है, जिस तरह की ये शो कर रहा है कि टाइम जो स्टार्ट है वो 8 AM है और जो फिनिश है वो 5 PM। तो इससे पता चला कि ये जो कैलेंडर है ये इस एक्टिविटी से या इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आइए हम चलते हैं और यही सेम एग्जांपल प्राइमावेरा में करते हैं। ओके, प्राइमावेरा मैंने ओपन कर दिया और इसके बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा जिस तरह हमने एग्जाम्पल की थी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं फाइल में चला जाऊँगा और यहाँ से एक ऑप्शन है न्यू का, मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो एक विंडो अपीयर होगी कि सिलेक्ट EPS, जिस तरह हमने EPS पहले क्रिएट किया था कि किस EPS के अंडर हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करनी है EPS, और ये जो प्रोजेक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंडर है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट किया तो पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट ID क्या है, तो मैं दे दूंगा TBTC। और प्रोजेक्ट जो नेम है टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ से प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट, तो मैंने डेट दे देनी है, मैं आज की डेट ही दे देता हूँ। और इसके बाद ये यहाँ से मैं इसको 8 AM कर दूंगा जिस तरह हमारा कि कैलेंडर सेट है, और मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको। और फिनिश डेट हम बाद में इसको देंगे जब हमारा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जो हैं इस डिपार्टमेंट के, तो हमने OBS भी क्रिएट किया था तो उसके तहत हम यहाँ से OBS भी दे देंगे।
जिस तरह आप हेड ऑफ कंस्ट्रक्शन है सादिक अब्दुल्ला, तो ये यहाँ पे मैंने OBS सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया इसको, और रेट टाइप हमने देना है स्टैंडर्ड रेट। ओके, यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के रेट्स हैं और हमने देना है स्टैंडर्ड रेट, नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और मैं इसको फिनिश कर दूंगा। अब देखें, अंडर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। तो प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से प्रोजेक्ट को ओपन कर दूंगा। ओके, ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया। इसके बाद हम WBS और एक्टिविटीज़ को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम WBS को क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम WBS के ऑप्शन पे चले जाएंगे, ये है WBS का बटन, और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये WBS की विंडो ओपन हो जाएगी। अंडर दिस प्रोजेक्ट हमने WBS को क्रिएट करना है। तो पहला WBS क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ये ऐड का बटन है इस पे चले जाएंगे। मैंने WBS को ऐड किया और पहला WBS दिया। जिस तरह के एक्सटर्नल फिनिशिंग है हमारे पास, एक्सटर्नल फिनिशिंग WBS कोड, और मैं यहाँ से दे दूंगा एक्सटर्नल फिनिशिंग। और जो दूसरा है वो मेरे पास इंटरनल फिनिशिंग है, और ये दोनों जो WBS है ये WBS लेवल 1 है, इसलिए ये दोनों सेम होंगे। तो अब इसको मैं लेफ्ट कर दूंगा मूव, तो इसको मैंने लेफ्ट मूव किया और इंटरनल फिनिशिंग इसको कोड दे दिया पहले। ये याद रखना है कि बाज़ औक़ात मिस्टेक से हम WBS कोड के अंदर हम नेम दे देते हैं। तो अब यहाँ से मैं दे दूंगा इंटरनल, इंटरनल फिनिशिंग। अंडर इन दोनों WBS के, दो WBS जो कि वर्क पैकेज हैं, मजीद दो WBS हैं, तो मैं इनको क्रिएट करूंगा। एक को क्रिएट किया और उसके बाद दूसरे को क्रिएट किया, उसको मूव लेफ्ट कर दिया। हमारे पास एक्सटर्नल फिनिशिंग में सबसे पहले है प्लास्टर। ओके, एक्सटर्नल प्लास्टर, और सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल पेंटिंग। ओके, इसके बाद इंटरनल के अंडर भी दो WBS हैं, फिर दूसरी दफा ऐड किया और इसको मूव लेफ्ट कर दिया। एक्स इंटरनल प्लस्टर, इंटरनल टाइलिंग। ओके, ये हमारे पास WBS क्रिएट हो चुका है। इसके साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि WBS कोड में आप CSI कोड अकॉर्डिंग टू, मतलब CSI हम यहाँ पे कोड इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह के फिनिशिंग का कोड है 09, तो हम 09 से स्टार्ट करके यहाँ से हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह एक्सटर्नल फिनिशिंग है तो 09100 हम, 000 हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, TBT 09100। अब CSI क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल्स इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास आ गया है WBS, ये हमने क्रिएट कर दिया है जिस तरह हमने एग्जांपल में क्रिएट किया था। इस ये WBS क्रिएट करने के बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ एक्टिविटीज़ में। ओके, एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मतलब जिस तरह हमने WBS क्रिएट किया था उस तरह ये एक्टिविटीज़ में यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये इसको बोलते हैं बग प्राइमोविरा में। तो इससे इसको हम, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ चले जाएंगे ग्रुप इन शॉर्ट में, और यहाँ पे ये IDR कोड इसको चेक करके अप्लाई कर देंगे। ओके, और उसके बाद इसको अनचेक करके ओके कर देंगे। तो ये आप देखें, अकॉर्डिंग टू आवर जो एग्जाम्पल थी उसके तहत ये WBS यहाँ पे भी क्रिएट हो गया है। एक्सटर्नल फिनिशिंग, एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल एक्सटर्नल पेंटिंग है, और इंटरनल फिनिशिंग में इंटरनल प्लास्टर और इंटरनल पेंटिंग है। अब WBS क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड जो करेंगे वो ये है कि हमने एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी है। ऑलरेडी मैं एक्टिविटीज़ की विंडो में हूँ, तो एक्सटर्नल प्लस्टर के अंडर दो एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास। पहली जो एक्टिविटी है वो है एक्सटर्नल प्लस्टर ग्राउंड फ्लोर है, और दूसरी जो है फिर फर्स्ट फ्लोर है, और इसी तरह एक्सटर्नल पेंटिंग जो है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो मैं क्रिएट करता हूँ एक्टिविटी एक्सटर्नल क्लस्टर के अंडर।
दो एक्टिविटीज़ है हमारे पास, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ का कोड भी हम यहाँ पे दे सकते हैं 09 से स्टार्ट करके। ओके, एक्सटर्नल प्लस्टर, ग्राउंड फ्लोर प्लस्टर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर, इसके बाद एक्सटर्नल पेंटिंग है और इसको मैंने क्रिएट कर दिया दो दफा क्लिक करके। 09 से स्टार्ट कर देता हूँ, 09 1 11 00। ये 09 आप सोच रहे होंगे, इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। ये CSI कोड है हमारे पास से, पहला जो है वो पेंटिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर पेंटिंग और फर्स्ट फ्लोर पेंटिंग पेंटिंग। इसके बाद इंटरनल प्लास्टर में हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं, ये भी आप 09 से स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू CSI। इंटरनल प्लास्टर, ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर। ओके, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं। और एक चीज़ को यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि जो इंटरनल टाइलिंग का वर्क है, ये बेसिकली वेट एरिया में, जिस तरह मार्बल वगैरह और टाइल वगैरह किचन वगैरह में और टॉयलेट वगैरह में टाइलिंग वगैरह का काम है। तो अब ये क्रिएट हो चुका है, इसके बाद हम प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। और जिस तरह मैंने एग्जांपल में बताया था आपको कि दो तीन चीज़ें आपने मस्ट देखनी होती हैं, तो प्रोजेक्ट में हम चले जाएंगे और यहाँ से हम डेट में चले जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट और जो डेटा डेट है, ये दोनों सेम होनी चाहिए जब हम इस पे क्लिक करेंगे, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखें कि प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट और जो डेटा डेट है, ये दोनों सेम है। तो दूसरा जो स्टेप है, हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट में हमारा जो कैलेंडर है वो प्रोजेक्ट का कैलेंडर है, जिस तरह TVTC का कैलेंडर हमने पहले क्रिएट किया था वही कैलेंडर है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। इसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और एक एक्टिविटी को हम एक दिन का ड्यूरेशन दे के चेक करेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट के कैलेंडर को फॉलो कर रही है या नहीं। ओके, मैंने एक दिन का ड्यूरेशन दिया और मैं यहाँ पे एक दिन का ड्यूरेशन दूंगा। तो एक दिन का ड्यूरेशन दिया तो देखें कि 8 AM को ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और 5 PM को ये एक्टिविटी फिनिश हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने ही कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। तो होपफुली आपको ये जो ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है और कोई सवाल हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।